हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल डूइंग ग्रेट। सो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हो रिगार्डिंग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन यही है कि सर मुझे पहले राउंड में कॉलेज मिल गया और मैंने एडमिशन किया वहाँ पर, फिर सेकेंड राउंड मैंने अटेंड नहीं किया, अब मैं थर्ड राउंड में एलिजिबल हूँ या नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा वाला पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि अगर किसी बच्चे ने एक टाइम या वन टाइम अपग्रेडेशन किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है इसको और फिर एडमिशन भी किया है, लेकिन सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, मीन्स अपग्रेडेशन अभी तक इसने नहीं की, सो ये एलिजिबल है थर्ड राउंड के लिए। ओके, सो वहाँ पर ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है इस तरीके का, लेकिन हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट पॉइंट कर सकते हैं कि वहाँ पर लिखा गया है कि जिसने अभी तक अपग्रेड नहीं किया है वो एलिजिबल है। ओके, उसी का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो इसने भी यहाँ पर अभी तक अपग्रेड नहीं किया है, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, सीट मिली, एडमिशन किया, फिर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, अब यहाँ पर ये थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। यस, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अगर आप कॉलेज या कोर्स अपग्रेड करना चाहते हो तो। सो यहाँ पर ये हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन पॉइंट से, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है कि जिसने एक दफ़ा अपग्रेडेशन की है वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन इसने अभी तक अपग्रेडेशन नहीं की है तो ये अपग्रेडेशन कर सकता है पहली दफ़ा। सो यहाँ पर यस, आप एलिजिबल हो थर्ड राउंड के लिए, आप यहाँ पर जा सकते हो।